अर्चना एंड आई एम वेलकम यू ऑल इन आवर वीडियो लेक्चर्स। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी की डिफाइन देखी थी और इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। सो आज उसी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग डिटेलिंग करते हैं। और आज के लेक्चर में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मैं लेती हूँ, दैट इज बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट आज हम इस लेक्चर में समझेंगे, और बैंक रेट की वजह से सप्लाई ऑफ मनी पे उसका इम्पैक्ट क्या आता है वो चीज़ अपने देखेंगे। सो शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ द बैंक रेट। उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन बैंक, ये आपकी बैंक है, एंड देयर इज आरबीआई। कौन है ये पर्टिकुलर आरबीआई? ओके, अभी यहाँ पे सीन क्रिएट होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको शॉर्टेज हो गया है फंड्स का। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे कि कमर्शियल बैंक्स के पास स्केयरसिटी हो गई, उसके पास फंड्स ही नहीं है, शॉर्टेज हो गया है। सो मैं ये चीज़ लिख देती हूँ, शॉर्टेज ऑफ फंड्स बैंक्स के पास हो गया है। तो बैंक बोरो किससे करेगा? ऑफकोर्स बैंकर ऑफ द बैंक, डेट इज आरबीआई। सो बैंक क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है आरबीआई से। और मैं यहाँ पे अमाउंट ले रही हूँ 10 crore rupees, ठीक है, 10 crore rupees उसको चाहिए, तो पर्टिकुलर वो ले रहा है आरबीआई से, बोरो कर रहा है। आरबीआई क्या कर रहा है? इसको लेंड कर रहा है। लेंड करना मतलब दे रहा है। सो सिंपली क्या कर रहा है? लोन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे बैंक्स को शॉर्टेज हो गई है। सो क्या आरबीआई फ्री में प्रोवाइड करेगा? सीधी बात है, नहीं, कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लेंडिंग करेगा। से फॉर एग्जाम्पल ये जो 10 crore है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जाम्पल 5% है, 5% पे वो पैसा दे रहा है 10 crore rupees कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई। सो ये जो 5% है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट। मीन्स यहाँ पे क्या आता है, डिफाइन अगर मुझे बनानी हो तो क्या बनेगी? व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड द आरबीआई लेंड्स द अमाउंट टू द बैंक एट पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। सो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? बैंक रेट। देखिए आपके बुक में भी वही चीज डिफाइन की है, पेज नंबर आपका 42। व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो फ्रॉम आरबीआई, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म। यहाँ पे एक चीज आती है कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जैसे ये 5% 10 crore rupees दे रहा है आरबीआई, सो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? बैंक रेट। ये हुई डिफाइन। अभी आप सभी को पता है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और सीन में क्रिएट करती हूँ, ये आरबीआई है। आरबीआई ने किसको लोन दिया? अलग अलग, से फॉर एग्जाम्पल जो बैंक्स थी उनको लोन दिया। यस, कोई भी बैंक आप ले लो, बैंक ए बैंक बी, सो ये हमारी बैंक्स है जिनको आरबीआई ने क्या किया? लोन्स दिए एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई दे क्या दे रहा है? लोन्स प्रोवाइड कर रहा है एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी टर्म्ड एज अ बैंक रेट। अभी आप मुझे बताओ, ये जो बैंक है वो भी तो लोन प्रोवाइड करती है, मींस अल्टीमेटली बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आता है अगर कोई भी शॉर्टेज हो जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक के पास कुछ भी शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की, या कहीं पर भी उसको पैसा चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, तो वो बोरो करता है बैंक से, और इसी तरीके से बैंक्स बोरो करती है आरबीआई से। सो ये जो कमर्शियल बैंक्स है वो किनको प्रोवाइड कर रहा है? जनरल पब्लिक को। सीधी बात है, सो जनरल पब्लिक तक कैसे पहुंच रहा है पैसा? थ्रू बैंक्स। अभी ये रेट जो है ना, बैंक रेट, मैं यहाँ पे क्रिएट कर दे रही हूँ अलग, ये हमारी जनरल पब्लिक,
ओके, सो ताकि आपको क्लियर आइडिया पिक्चर आपको पता चल सके कि इकोनॉमी में एक्चुअली होता क्या है. सो ये हमारी जनरल पब्लिक, और ये जनरल पब्लिक तक जो लोन प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? बैंक. और बैंक को अगर पैसा चाहिए हो तो कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई. ठीक है, इस तरीके से पूरा फ्लो जाता है. और आरबीआई देखो लोन्स के थ्रू मतलब बैंक में पहुंचा रहा है पैसा, और बैंक्स लोन जो दे रही है मतलब अल्टीमेटली क्या कर रही है, ये जो जनरल पब्लिक है उनको पैसा पहुंचा रही है, मींस सप्लाई कर रही है मनी का, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना, मनी का सप्लाई कर रही है. सो सप्लाई ऑफ मनी एक्चुअली करता कौन है? सो हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी? इशू करता है आरबीआई, इशू करता है आरबीआई, लेकिन किसकी मदद से? बैंक्स की मदद से इशू करता है. बैंक्स के पास पैसा जाता है और फिर बैंक से जनरल पब्लिक तक पैसा जाता है. इस वे में पूरा डायरेक्शन होता है पर्टिकुलरली मनी का. और 1 रुपी का आपको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री. ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये बैंक रेट, ये जो 5% है ना, इसकी वजह से ये सप्लाई ऑफ मनी मतलब या तो बैंक ज़्यादा लोन देगा या तो बैंक कम लोन देगा. कैसे, हाउ इट, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का. सो यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दोनों सिचुएशन समझते हैं. और आप लोगों को पता है जनरली जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, डिप्रेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं हम लोग. सो से फॉर एग्जाम्पल ये 5% हम लोगों ने लिया, और मैं यहाँ पर 10 करोड़ का एग्जाम्पल नहीं लेती हूँ, मैं छोटा एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर पता चले. सो जैसे 10,000, छोटा सा एग्जाम्पल, 10,000 किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, और 5% क्या है उसका? बैंक रेट है. मतलब ये कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए और आरबीआई उसको पैसा देगा 5% पे. अगर ये रेट को मैं कम कर दूँ, मीन्स आरबीआई अगर इस रेट को कम करता है तो कब ऐसा कम करता है और उससे इफेक्ट क्या आता है सप्लाई ऑफ मनी पे? सो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल 3% कर दूँ, और यहाँ पे मैंने से फॉर एग्जाम्पल 7% कर दिया. दोनों सिचुएशन हम लोग समझेंगे. अगर बैंक रेट 3% कर दिया है तो यहाँ पे बैंक रेट जो आरबीआई चार्ज करेगी वो कितने रुपीज चार्ज कर सकेगी? 10,000 पे 300, और यहाँ पे तो था 500, और यहाँ पे कितना है बैंक रेट, कितना चार्ज करेगी? से फॉर एग्जाम्पल 700 रुपीज. समझ आई चीज आप लोगों को? अगर 10,000 रुपए कमर्शियल बैंक मांग रही है आरबीआई से, तो उसके ऊपर जो उसको पैसा देना है, इंटरेस्ट रेट देना है, वो कितना देना है? एक्चुअली 5%. तो रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 500. और अगर 3% हो जाता है तो कितना होगा? 300. और यहाँ पे 700. मींस अल्टीमेटली देखो एक परसेंटेज यहाँ पे बैंक रेट क्या हो गया? कम हो गया. और यहाँ पे बैंक रेट कमर्शियल आरबीआई ने क्या किया है? ज़्यादा किया है. तो चीज़ ये आती है पर्टिकुलरली कि अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर देती है, अगर आपको कोई भी लोन, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से आपको लोन लेना हो, तो कोई भी आपको लोन चाहिए और सस्ते भाव पे मिल रहा है, तो जनरली आप क्या लोगे? ज़्यादा लोन लेना पसंद करोगे ना, क्योंकि आपको तो शॉर्टेज है. सेम एज इट इज़ अगर बैंक्स को शॉर्टेज होती है और बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आरबीआई से वो लोन क्या लेगी? ज़्यादा लेगी, ज़्यादा बोरो करेगी. तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि कमर्शियल बैंक बोरो मोर, ज्यादा बोरो करेगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है. फिर इससे क्या होगा? बोरो ज्यादा कर रही है मतलब उसके पास पैसा ज्यादा आया. अभी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, फंड्स आ गए. सो कमर्शियल बैंक जो लेंडिंग करेगा, जो लोन देगा जनरल पब्लिक को, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सीधी सी बात है, क्योंकि उसके पास, उसने बोरो ज्यादा किया है. इससे क्या होगा? मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा. सीधी बात है, क्योंकि लोन्स ज़्यादा दे रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है? सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में राइज हो रहा है. अभी सप्लाई ऑफ मनी मतलब जनरल पब्लिक को लोन्स मिल रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं तो वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन में से वो कमाएंगे, जिससे उनकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी.
सो इधर क्या होगा, इनकम ऑफ जनरल पब्लिक राइजेस। अगर आपकी इनकम, जनरल पब्लिक की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो ज्यादा डिमांड करेगा, वो ज्यादा डिमांड्स करेगा। क्या ज्यादा डिमांड्स करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये चीज बढ़ जाएगी। ओके, लेकिन आरबीआई ऐसा स्टेप, बैंक रेट को रिड्यूस करने का जो स्टेप है वो कब उठाएगी, वो चीज को हम लोगों को समझना है। सो यहां पे मैं हाईलाइट करती हूं, इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन आरबीआई रिड्यूसेस द बैंक रेट। क्या बोल रही हूं, इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन पीरियड में क्या हो जाता है, लोग ज्यादा डिमांड करते मनी का, मींस उनकी इनकम एकदम लो। जैसे अभी का टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, लॉकडाउन में लोगों की इनकम क्या हो गई, बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उनके धंधे नहीं चल रहे, उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, जिसकी इनकम, उनकी इनकम क्या हो गई, एकदम लो हो गई, जिससे उनकी जो लग्जेरियस गुड्स रिलेटेड जो डिमांड होती थी वो सब चीजें एकदम कम हो गई। तो उन लोगों को अभी क्या चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए। यहाँ पे डिमांड फॉर द मनी राइजेस हो चुका है एक्चुअली डिप्रेशन पीरियड में, लेकिन सामने सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को रिड्यूस करेगा। बैंक रेट को रिड्यूस करने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स बोरो ज्यादा करेगा, तो जनरल पब्लिक को पैसा भी, लोन्स वगैरह ज्यादा देगा, जिससे सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिससे लोगों की इनकम फिर से बढ़ना स्टार्ट होगी। जैसे अभी लॉकडाउन ड्यूरिंग आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम निकाली प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें यही तो चीज बताई कि आरबीआई जो 20 लाख करोड़ जो उन्होंने एक बजट बनाया आत्मनिर्भर भारत का, उसमें से 8 लाख आरबीआई पूरा ट्रांजैक्ट करेगी। तो वो जो 8 लाख का जो ट्रांजैक्शंस वगैरह किया जाएगा वो लोन के माध्यम से किया जाएगा, लोन्स दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या आया, लेंडिंग ज़्यादा कर रहा है ना कमर्शियल बैंक्स वगैरह, सो जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, इन लोगों को लोन्स देंगे। क्यों लोन्स देंगे, क्योंकि इनकम सबकी डाउन हो गई है, इनकम है नहीं तो सेविंग कहाँ से होगी, लोग तो सेविंग्स, लोगों की सेविंग्स भी खत्म होने को आई है, सेविंग्स नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करेंगे लोग, पैसा भी तो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे। कमर्शियल बैंक को लोन देगी जनरल पब्लिक को, वो लोन से क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे रॉ मटेरियल्स में और इन सब में, जिससे फिर से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी, और अगर इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी जो डिप्रेसिव थी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, डिमांड्स को बढ़ा दिया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड्स होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? सो इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन मींस जब सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाता है, ऐसे पीरियड में, डिप्रेशन वाले पीरियड में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को कम कर देती है। सेम ऑपोजिट सिचुएशन अगर अपने चलते हैं, अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, अभी आप खुद ही बताओगे मुझे, खुद ही दिमाग में आएगा आपके, अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो ये जो बैंक है वो ज्यादा बोरो करेगी कि कम बोरो करेगी, आंसर में बताइए। सो सीधी बात है कि कमर्शियल बैंक्स की जो बोरोइंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी ना, उनकी बोरोइंग्स रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आरबीआई चार्ज कर रही है बैंक से, तो अभी जब आरबीआई बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो ये भी तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना, क्योंकि आरबीआई को जो पैसा मिल रहा है, फंड्स वगैरह जो मिल रहा है, वो एक्चुअली पहले तो कम ही बोरो करेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जिससे कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग क्या हो जाएगी, लोन्स वगैरह वो कम देगी, लोन्स जो है पर्टिकुलर कम देगी, लेकिन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी,
यहाँ पे क्या था, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आजकल जैसे लोन्स वगैरह, क्योंकि हमारा ना ये वाला सिचुएशन चल रहा है अभी इंडिया में पर्टिकुलर, क्योंकि बैंक रेट्स और ये सब चीजें ना कम कर दी आरबीआई ने. सो क्यों कम की है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ाना है, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है, 3 महीने लोग घर में बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस हुआ नहीं है, तो इनकम कहाँ से कमाएंगे, मनी तो नहीं रहेगा ना उनके पास. सो ये सब इंक्रीज करने के लिए बैंक रेट को कम किया है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली अगर लैंडिंग कम होगी, वो भी लोग लोन लेंगे नहीं लेंगे, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधी बात है. प्लस मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो लोगों की इनकम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. डिमांड्स क्या हो जाएगी, लोगों की इनकम कम, इंसान की इनकम कम, डिमांड कम करेगा इंसान. ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, लोगों के पास ओवर सप्लाई हो गया है पैसों का, तो ये जनरल पब्लिक के पास बहुत सारा सप्लाई हो चुका है पैसों का, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे मनी सप्लाई कम हो. तो हम लोग कैसा स्टेप उठा रहे हैं, हम लोग बैंक रेट को क्या कर दे रहे हैं, ज़्यादा कर दे रहे हैं. बैंक रेट को क्या कर दे रहे हैं, हम लोग पर्टिकुलरली हाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिमांड्स कम. तो ये कब किया जाता है, इन दी पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, अंडर द ग्रिप ऑफ इन्फ्लेशन. इस चीज को क्या करेंगे, अपने बैंक रेट को ज्यादा कर देंगे. आप देख सकते हो बैंक रेट ज्यादा, कमर्शियल बैंक्स बोरो कम करेगा, बोरो कम करेगा तो लेंडिंग कम करेगा, लोन्स क्या करेगा, कम देगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जबरदस्त हाई करके, जिससे क्या होगा, लोग कम लेना पसंद करेंगे और मनी सप्लाई क्या होगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा, और लोगों का इनकम क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम तो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, कम, लोगों की डिमांड्स धीरे धीरे रिड्यूस. क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन में तो इन्फ्लेशन का रीजन ही क्या, डिमांड हाई, बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है गुड्स एंड सर्विसेज की, प्राइस राइज हो चुका है इतना इकोनॉमी में, उस चीज को बैलेंस नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग मॉनेटरी पॉलिसी, फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, एंड दैट इज हाउ आरबीआई एट अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन रिड्यूसेस द बैंक रेट, एंड इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीजेस द बैंक रेट, एंड दैट इज हाउ एक्चुअली RBI controls the situation and maintains the price stability in the economy. Okay, with the help of money supply. देखो एक तो लॉन्ग टर्म है पर्टिकुलरली, तो इन सब चीजों पे जो असर आएगा ना वो पर्टिकुलरली लॉन्ग पीरियड में आएगा. सो शॉर्ट पीरियड में अगर हम लोगों को मनी सप्लाई में कुछ भी चेंजेस करना हो तो इतना जल्दी नहीं ला सकते अपने बैंक रेट की मदद से. सो इसके लिए हमारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई ने वो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करता है, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. सो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज के अंदर के रेपो रेट कम कर दिया गया है आरबीआई ने. सो रेपो रेट होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे पक्का. सो हम लोग अभी फटाफट एक क्विक देख लेते हैं, लुक दे देते हैं हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है. हम लोगों ने डिफाइन तो देखी, नेक्स्ट मैं डिफाइन के बाद वाली पॉइंट पढ़ती हूँ. इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज, आ जाओ यहीं पे, बैंक रेट अगर बढ़ा दिया गया, कमर्शियल बैंक विल बोरो लेस. कमर्शियल बैंक की बोरोइंग्स क्या हो गई, सीधी बात है कम हो गई. क्यों क्यों कम हुई भी, बैंक रेट इतना ज्यादा है, एक्सपेंसिव है भाई बोरो करना. सो व्हेन दे बोरो लेसर अमाउंट एट द हायर रेट, दे विल लेसर अमाउंट ऑफ लोन एंड एट द हायर रेट टू द जनरल पब्लिक. सो सीधी बात है, अगर बोरोइंग इतनी कम कर देंगे तो वो लेंडिंग कैसे देंगे, इतनी सारी लोन्स वगैरह कैसे देंगे, और लोन्स वगैरह कम कर देंगे तो सीधी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कर देंगे लोन्स का, एंड देयर डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स. सो क्या हो जाएगा, लोन्स वगैरह कम हो जाएंगे, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोगों की इनकम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्योंकि आपको पता है आप लॉ ऑफ डिमांड ये चीज़ पढ़ के आए हो, उसमें बताया था डिमांड चैप्टर में 11th में, अगर इंसान की इनकम कम हो जाती है तो उसकी डिमांड्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है.
सो ऑन द होल देयर इज अ लेसर क्रिएशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई कम, क्रिएशन ऑफ मनी कम हो गया. सो लोअर डिमांड फॉर द गुड्स एंड लोअर सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज अंडर द ग्रिप ऑफ इन्फ्लेशन. ये चीज आपको बताई, इन्फ्लेशन जब होता है तभी ये स्टेप लिया जाता है, बैंक रेट को कम किया जाता है ताकि मनी सप्लाई को हम लोग कम कर सके, क्योंकि इन्फ्लेशन पीरियड में ऑलरेडी क्या होता है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है. इस वजह से बैंक रेट बढ़ा देती है जिससे बैंक्स कम बोरो करेगी ये बैंक्स, और जनरल पब्लिक को भी कम पैसा देगी. इन लोगों जनरल पब्लिक के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है इन्फ्लेशन के टाइम पर. आप लोगों को बताओ नोटबंदी से पहले, नोटबंदी से पहले हर कोई ऐश कर रहा था, जोरदार लिविंग स्टैंडर्ड चल रही थी सबकी, लेकिन ये नोटबंदी के बाद ये सब कुछ हुआ है, पूरी इकोनॉमी डिप्रेस हुई है. और ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ, GST, नोटबंदी, फिर 2020 में लॉकडाउन, कोरोना वायरस, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव चीज़ हो चुकी है. अभी जो स्टेज चल रहा है ना करंटली हमारे इंडिया में, वो ऐसा स्टेज चल रहा है. तो इस वजह से बैंक रेट और जो भी रेट्स हैं उनको सबको RBI ने कम कर दिया है. देखो नेक्स्ट यही चीज़ बताइए, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज हायर देन द डिमांड फॉर अ मनी देयर इज इन्फ्लेशन. जब लोग ज़्यादा मतलब एक्चुअली इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होता है और डिमांड नहीं करते हैं लोग, क्यों डिमांड करेंगे जब उनके पास ऑलरेडी सप्लाई इतना ज़्यादा है, ऑलरेडी इतना पैसा है उनके पास. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, देखो सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा डिमांड फॉर मनी कम, मतलब इनबैलेंस, इम्बैलेंस को इधर से इक्वल्स टू लाना पड़ेगा ना, तो सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना पड़ेगा, अपने को कम करना पड़ेगा, तो इधर बैलेंसिंग होगा, सीधी बात है. और डिप्रेशन पीरियड में क्या होता है, डिमांड फॉर मनी, जैसे अभी लॉकडाउन है लोग बहुत मांग रहे हैं, भाई उनके पास पैसा ही नहीं है तो मांगेंगे ही ना, उनकी इनकम लो हो गई है, सो इनकम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. अगेन यहाँ पे बैलेंस इक्वल्स टू लाना है, तो डिमांड इधर ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो सप्लाई ऑफ मनी को क्या करोगे आप, इधर कम है डिप्रेसिव पीरियड में तो उसको बढ़ाओ, सीधी बात है, ठीक है. सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला हुआ है, द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी एंड द बैंक रेट एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई इज कॉल्ड द डियर मनी पॉलिसी. सो इधर शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है. बैंक रेट अगर कम किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, चीप मनी पॉलिसी. और अगर बैंक रेट को ज़्यादा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डियर मनी पॉलिसी, ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, RBI हैज स्टॉप यूजिंग द बैंक रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट मनी सप्लाई सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स. ये चीज़ आ गई, आपको अभी अभी मैंने बताया कि RBI नहीं यूज़ करता है इतना ज़्यादा बैंक रेट, क्योंकि इधर लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन है और इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आता है मनी सप्लाई पे. इस वजह से वो क्या यूज़ करता है, इज़ यूजिंग रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इंस्टीड. बैंक रेट इज़ अ रेट फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड हैंस कैन नॉट बी चेंज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, वाइल रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट्स कैन बी ऑल्टर. वो शॉर्ट पीरियड में चेंज करे जा सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में उनका रिफ्लेक्शन आएगा मनी सप्लाई पे. इस वजह से दस दे हेल्प टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है. सो दैट्स इट अबाउट टुडे. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, और आपको सिर्फ इतना ही अभी ये लेक्चर में जाना है कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. कैसे ट्रांजेक्शन होता है, क्या ट्रांजेक्शन होता है, वो हम लोग उस लेक्चर में पढ़ेंगे. थोड़ा सरप्राइज तो रहना चाहिए ना, हर चीज़ थोड़ी बताऊंगी एक ही लेक्चर में. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आपका होमवर्क है पर्टिकुलरली बैंक करंट बैंक रेट को आपको फाइंड आउट करना है 2020 का, ठीक है. सो थैंक यू.